बड़ी खबर गुजरात से, गुजरात के पोरबंदर में। दोस्तों, भारत की जो नेवी है वो बड़ा ऑफेंसिवली प्ले कर रही है। पोरबंदर में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। एक और खबर हमारे सामने आई है और खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। इन हवालों से पहचान है दुनिया में हमारी। अपना पासपोर्ट तो देखो, मैंने किया है यार उसको। ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 6 पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं। नाव से करीब 480 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई, जो कि पाकिस्तान के शहरियों के मुंह पे तमाचा है कि हालात इस वक्त ये हो चुके हैं। पाकिस्तानी बोर्ड को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इसको पाकिस्तान से भी लिंक करता है। अब पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम सफाइयां देता रहता है, नहीं जी हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं। इंडिया सारा टाइम ऑफेंसिव लगा रहता है। रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। प्रिसाइजली जो हमारे ये दोस्त मुल्क है वो ये कह रहे हैं कि हमें जनाब ये जो पैसा ना मांगेंगे भी तो कर्जा हम नहीं देंगे। सऊदी अरेबिया, यूएई ने पहले ही कर दिया है। वर्थ 58 मिलियन डॉलर्स मनशियात उसमें थी और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया। अभी पिछले दिनों इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को उन्होंने जो गैस की कीमत है उसमें 100 रुपए कमी किया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। कि वो कहते हैं जी हम एंटी पायरेसी, हाई चेकिंग, ड्रग्स, इन चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं। पाकिस्तान सारा टाइम ये कहता है कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन इस जो ड्रग्स के हवाले से है ये पाकिस्तान को भी मिली थी और इंडियन नेवी को भी मिली थी, लेकिन इंडियन नेवी इस शिप के करीब थी, उन्होंने इसको पैसे पहले पकड़ लिया कि जी ये ड्रग्स लेके जा रहा है। अगर ये पाकिस्तानी शिप के करीब होती, नेवी के करीब होती तो वो पहले पकड़ लेते। लेकिन इंडिया करता क्या है बकौल पाकिस्तान के कि वो किसी ना किसी तरह का इल्ज़ाम लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर एंड पाकिस्तान उसको डिफेंड करता रहता है। मैं तो इस चीज़ को, मेरी समझ से ये बात बाहर है कि पाकिस्तान ये ऑफेंसिव अप्रोच क्यों नहीं रखता, पाकिस्तान की ये डिफेंसिव अप्रोच क्यों है। मैं तो सबसे पहले खुद अपने ही लोगों से मेरा गिला है कि पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच क्यों है। अब ये इंडियन नेवी और नॉर्कोटिक्स कह रहे हैं जी कि हमने ये 3300 kg जो कॉन्ट्राबैंड है ये पकड़ी और हमने देखा कि जिसमें बहुत कुछ था इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स और हमने बंदे भी पकड़ लिए, हमने ड्रग्स भी पकड़ ली, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और पाकिस्तान जो है वो क्लेरिफिकेशंस देते देते रह गया। और खबर हमारे सामने आई है और खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है, पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है, और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है मुझे। सबसे पहले ये खबर मुझे रॉयटर्स में मिली, फिर उसके बाद और जगहों पर इंडियन मीडिया में खासतौर पर बहुत ज्यादा ये खबर है, लेकिन रॉयटर्स की खबर मैं आपके सामने पहले रख के देती हूँ। पाकिस्तान में मुझे कोई खबर, मैं देख रही थी कि क्या इसका कोई जवाब, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। लेकिन खबर यह है कि इंडिया सेज इट सीज वर्थ 58 मिलियन डॉलर्स मनशियात उसमें थी और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया, ये रॉयटर्स कह रहा है। उसमें जनाब ये कहा गया है कि इंडियन अथॉरिटीज हैव इंटरसेप्टेड ए बोट फ्रॉम पाकिस्तान, और इसमें जो है सिर्फ पाकिस्तानी बोट ही को इंटरसेप्ट नहीं किया, सीज नहीं किया इंडियन अथॉरिटीज ने, बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के 6 क्रू मेंबर्स जो उस बोट में थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, और ये कहा है इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे, रॉयटर्स ये लिख रहा है। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे पहले भी इंडिया हैज प्रीवियसली अक्यूज्ड इट्स नेबर ऑफ इनकरेजिंग, जो ये इस तरह का माफिया या जो काम करते हैं लोगों के जिसमें मनशियात जो है नेटवर्क्स होते हैं और इस तरह की चीजें बॉर्डर से इधर उधर जाती हैं, उसके ऊपर जो है पहले भी अक्यूज किया गया था और पाकिस्तान ने इसको जो है पहले भी ऐसी एलिगेशंस को डिनाई किया है। The boat was intercepted. कहां पर पाकिस्तान की ये बोट, ये कश्ती पकड़ी गई है, वो बताया गया है कि कोई 350 किलोमीटर्स 217 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात स्टेट जो है उसके पास ये पकड़ी गई है, और ओवरनाइट ऑन ट्यूसडे यानी सारी रात ये वाला जो है ऑपरेशन हुआ है, रात भर में ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। और इसमें जो है ये रॉयटर्स बता रहा है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है।
अब देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वाली जो है ना चीजें अब होंगी। जो लोग ये कह रहे थे, इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया, अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने, और उस पर उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटीरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है, और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है और वो कोई लीथ मशीन है, मंगवाई गई थी वगैरह वगैरह। इस तरह की इस तमाम खबर हमने आप तक पहुंचाई। अच्छा, उस वक्त जो है ये कहा गया कि कैसे रोक सकता है इंडिया या कैसे ये कर सकता है। मैंने आपको ये कहा था, वो तो खैर वो भी मुंबई जो है वहां के पोर्ट पे वो रोका गया था, और ये जो है गुजरात स्टेट। लेकिन जनाब जनाबे वाला, ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कुछ प्रेजेंस की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान की तो खैर उसके अंदर जो मुल्क के अंदर प्रेजेंस हो जाए तो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर या हुक्मरानी या जो हुकूमत की है। अब बाहर तो छोड़ ही दीजिए, जो सिचुएशन चल रही है आप जानते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो कोई रोक नहीं सकता, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो है ये कहा है। अच्छा, उसके लिए कहा गया कि पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी देखभाल के बाद उनके पास ये वाली ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसमें जो है ये वाली मनशियात जो है ये आ रही थी जा रही थी, और इस तरीके से उनको पता चला, उन्होंने उसके ऊपर छापा मारा है या उसको पकड़ा है, उसके बाद उससे कहा है कि ये जो मटीरियल है मवाद है निकाल लिया गया। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये जो क्योंकि ये जो बात की जाती है मनशियात की, तो इससे पहले जिस तरह के मैंने बताया कि रॉयटर्स ने भी लिखा है कि पहले भी कई मरतबा ये वाली बात की गई कि जनाब ये जो है सिलसिला होता है इस तरफ से, और खासतौर पर पंजाब में जो है वो बड़ी तादाद में ये चीजें पहुंचती हैं, और पाकिस्तान के ऊपर अलेजिडली ये कहा गया, इल्जाम लगाया गया या उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है ये चलती रहती है सूरत हाल और ये होता है। तो अब ये पकड़ा गया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या स्टैंड लिया गया या क्या बताया गया। तो देखिए, एक तो बताती हूँ आपके सामने, खबर मेरे सामने जो आई वो ये थी कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात कोस्ट। अब जब मैंने देखा कि अच्छा ये जो है ये तो पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर आ गया, हालांकि कुछ टाइम लेते हैं साढ़े लोग जड़े है ना, वो थोड़ा जो टाइम लेते हैं कि चलो जरा थोड़ा देखते हैं, हाँ देखते हैं फिर देते हैं जवाब, ऐसी क्या बात है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी जल्दी जवाब आ गया, जबरदस्त। तो पता ये चला, ये जो खबर है ये है जनवरी 3, 2015 में ऐसी कोई बोट पकड़ी गई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया था कि भाई ये कोई मसला नहीं है, ये हमारी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। फिर मैंने और ढूंढने की कोशिश की तो फिर जनाब मुझे जो है वो एक और खबर मिल गई। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपी हुई है, तो उसमें भी पाकिस्तान रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ बोट इंटरसेप्शन ऑफ गुजरात। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई वाकया 2015 में भी हुआ था जिसपे वो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया।